सरकारी विभागों में व्यापक भ्रष्टाचार का मकड़ जाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मेरठ कचहरी परिसर स्थित ट्रेजरी कार्यालय में एंटी करप्शन टीम ने एक बाबू और महिला को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। भैया नवीन कुमार, नवीन जी क्या मामला है? भैया हमारे पिताजी यहाँ कचहरी में चपरासी थे सिविल कोर्ट में, तो वो सन 2000 में रिटायर हुए थे, तो वो 26 जनवरी को एक्सपायर हो गए थे। तो मैं उनकी पेंशन ट्रांसफ़र कराने के लिए अपनी मम्मी के नाम कराने के लिए गया था ट्रेजरी ऑफिस। तो जब ट्रेजरी ऑफिस गया था तो इन्होंने 9000 रुपये पहले मांगे, फिर कह रहे मैंने कि तो ज़्यादा है, फिर 6000 रुपये में बात तय हो गई, तो 6000 रुपये रिश्वत के मांगे इन्होंने। किसने मांगे, क्या नाम? ये संदीप बाबू। संदीप बाबू ट्रेजरी के अंदर? हाँ ट्रेजरी के अंदर। तो आज इनके साथ में क्या हुआ? तो फिर मैंने ये परसों से मांग रहा था पैसे, तो मैंने कल मेरे मित्र हैं वकील साहब, मैंने उनसे पूछा ये एंटी करप्शन का ऑफिस कहाँ पर है, ये कह रहे मोहनपुरी में, तो मैं कल वहाँ गया था। फिर तो वहाँ पर इन्होंने बताया मैंने ये बात, तो ये कह रहे ठीक है तो हम अपने तरीके से पकड़ते हैं उसे। तो फिर मैं 6000 रुपये लेकर आया था, इन्होंने उस पर वो लगा के पाउडर इसे दे दिए, मैंने इसे पकड़ लिया। फिर